आदरणीय मंच, मेरे उस्ताद फिरोज भाई और प्यारे दोस्तों, फिरोज भाई का कल फोन पर उन्होंने ये बताया कि कौमी एकता पर एक मुशायरा है, कवि सम्मेलन है, उसमें आपको आना है। तो दोस्तों, मैं आया तो हूँ, मगर मैं एक बात बता दूँ कि हमारे देश में हिंदू और मुसलमान के बीच में ऐसी कोई दीवार नहीं, हमारे देश में ऐसी कोई कौम ही नहीं है जो आपस में लड़ती है, क्योंकि मैं मिर्ज़ा के साथ कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मेरे दुकान पर शाबाश काम करता है, मेरे स्वास्थ्य का ख्याल डॉक्टर नवेद करते हैं, जिस तरह मैं कह रहा हूँ उस तरह हर एक हिंदू और हर एक मुसलमान के ऐसे ही रिश्ते आपस में हैं। दोस्तों, कौम आपस में कभी नहीं लड़ती, हमारे देश में केवल दो ही कौम है, अमीर और गरीब, दूसरी कोई कौम नहीं है। अमीर मुसलमान, अमीर हिंदू, वो एक हैं, गरीब मुसलमान, गरीब हिंदू, वो एक है, कोई कौम नहीं दोनों में सब, क्योंकि एक याद आ रहा है मुझे एक गीत जो नौशाद साहब ने लिखा था, शकील इंदीवर जी ने उसको संगीत दिया था, नौशाद साहब ने गाया था, मोहम्मद रफी ने, और फिल्म के पर्दे पर उसको दिलीप कुमार यूसुफ साहब ने गाया था, और वो गीत नहीं बल्कि एक भजन था, और उस भजन के बोल, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, हर मंदिर में वो भजन गाया जाता है, लेकिन उसका निर्माण कौन कर रहा है? एक मुसलमान। तो ये हकीकत है मेरे देश की, मेरे देश में दूसरी कोई कौम नहीं है। दोस्तों, 68 जगहों पर मराठा आरक्षण का आंदोलन चला पूरे महाराष्ट्र में, 68 जगहों पर दोस्तों, और हर एक आंदोलन में 2 लाख से ऊपर इतनी जनता उस आंदोलन में शामिल थी, और उन 68 के 68 जगहों पर पानी और नाश्ते का इंतजाम महाराष्ट्र के मुसलमानों ने किया। क्या इसके बावजूद भी हम ये कहें कि हमारे देश में कौमी एकता की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, हम लोग आपस में एक हैं। हाँ, कुछ समय के लिए कुछ स्वार्थी लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए हमारे दिमागों में वो जहर भर देते हैं, और कोई कौम नहीं है। इसलिए न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और नहीं समझी गई ये बात तो फिर नुकसान सबका है। हजारों रंग फूलों के नस्ल के फूल पौधे हैं, मगर गुलशन की इज्जत आबरू ईमान सबका है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां दिखाई नहीं देती, जो इसमें मिल गई नदियां दिखाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। दोस्तों, एक बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के, जिनका नाम था माधवराव सीधिया, राजा थे वो, ग्वालियर के राजा थे। एक प्लेन एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई, और उनकी जो मौत हुई, प्लेन में अचानक आग लग गई, और उनका जो प्लेन है एक गरीब के खेत में आकर आ गिरा। आग लगने से सारे कपड़े उनके जल चुके थे, तो उस
किसान ने अपना गमछा निकाला और उसकी लाश को गमछे से ढक दिया। दोस्तों एक राजा, मौत कैसी हो रही है? किसान के गमछे से ढका हुआ। तो झूठी कहानी है ये राजा और रानी की, झूठी कहानी है ये राजा और रानी की। अरे जिसे हम वक्त कहते हैं वही सुल्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और नहीं समझी गई ये बात तो फिर नुकसान सबका है। दोस्तों वैसे मैं हास्य का कवि हूं, हंसाना मेरा प्रथम कार्य है, मगर चूंकि मेरे उस्ताद का आदेश है कि आज जो है कौमी एकता की बातें करनी है, तो बिल्कुल एक छोटी सी रचना जो कि पाकिस्तान के नाम है। दोस्तों पाकिस्तान की जनता के नाम नहीं है, पाकिस्तान के हुक्मनारों के नाम, वहां जो सियासत करते हैं उनके नाम। पाकिस्तान की जनता आज भी हिंदुस्तान की जनता से बेतहा मोहब्बत करती है। मेरे कई रिश्तेदार हैं वहां पर, उनके दिल में कोई वैर नहीं, केवल उनके जो हुक्मनार हैं वो नहीं चाहते कि ये सब एक हो जाएं। तो एक हिंदुस्तान का बेटा उन्हें क्या कहता है, एहसान फरामोशो सोचो, क्या हमने तुमको दिया नहीं? उपकार ऐसा कौन सा है जो हमने तुम पर किया नहीं? आजादी के मेले का मुंह मांगा मोल दिया तुमको, और घायल मां के खून से लथपथ भूगोल दिया तुमको, एक हिस्सा दिया हमने अपना काट के। आजादी के मेले का मुंह मांगा मोल दिया तुमको, और घायल मां के खून से लथपथ भूगोल दिया तुमको। इतनी अपनी लाचारी थी कि इतिहास न दे पाए हम, अरे शौर्य होता है अपना अपना, ये विश्वास न दे पाए हम। मायूस पड़ोसी बनकर तुम नहरों का नीर मांगते हो, मायूस पड़ोसी बनकर तुम नहरों का नीर मांगते हो, और धर्मांध निगाहों से तुम हमसे हमारा कश्मीर मांगते हो। दोस्तों हिंदुस्तान में जो भी चीज मुसलमानों से ताल्लुक रखती है, पाकिस्तान वाले समझते हमारा हक है उन पर, उन्हें हर वो चीज चाहिए जो मुसलमानों से संबंधित है, पर उन्हें क्या नहीं चाहिए? उन्हें हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं चाहिए। जो मुसलमान भाई बंटवारे के समय यहां से वहां गए, आज भी उनको दो नंबर की नागरिकता दी गई हुई है, उन्हें वो नहीं चाहिए, मगर चीज चाहिए। मासूम मायूस पड़ोसी बनकर तुम नहरों का नीर मांगते हो, और धर्मांध निगाहों से हमसे हमारा कश्मीर मांगते हो। अरे कश्मीर हम तुमको दे भी दें, फिर आगरे का ताज मांगोगे? जहां मुरादें पूरी होती है वो अजमेर का गरीब नवाज मांगोगे? रुस खान एक ऐसा कवि जो मुसलमान था, मगर वो कविताएं लिखता था कृष्ण भगवान पर। रुस खान कवि था मुसलमान, क्या उसका कान्हा भी दे दे? राज बहादुर रूपमती का मधुर तराना भी दे दे? अरे तुम तो शायद अकबर को भी बतलाते होगे मुसलमान, लेकिन इतिहास गवाह है अकबर तो था बस अकबर महान, जिसने जाति पाति से ऊपर उठकर इंसानों को इंसान कहा, मिलजुल कर चलने को ही सच्चा ईमान कहा। अरे तू हिंदू है तो अच्छा है मुसलमान तो अच्छा है, उसका जीवन है निंदीय जो इंसान हुआ तो अच्छा है। इसीलिए कहता हूं कि मत कश्मीर पर ललचाओ, इसीलिए कहता हूं मत कश्मीर पर ललचाओ, अपनी पीढ़ी का सोचो, अपने हुक्मनारों को समझाओ। अरे आज जिसके लिए रोते हो ये सब उत्कर्ष तुम्हारा था, अगर विभाजन नहीं होता तो ये सब तुम्हारा था,
जिस चीज के लिए रोते हो ये सब उत्कर्ष तुम्हारा था, केवल कश्मीर ही क्या सारा भारतवर्ष तुम्हारा था, सारा भारतवर्ष तुम्हारा था। धन्यवाद दोस्तों।